हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं आज डिस्कस करने के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला एमसीक्यू करते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना शुरू की गई है। दो योजना शुरू की गई हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो पेमा खांडू हैं, उन्होंने ये योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री सशक्त किसान योजना के अंतर्गत तीन प्रोजेक्ट काम करने वाले हैं। एक होगा किसानों का रोजगार उत्पादन करवाने वाला प्रोजेक्ट, एक होगा रबड़ और चाय के बागानों में उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट, और एक होगा कृषि मशीनीकरण प्रोजेक्ट या फिर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट। तो तीन यहाँ पर कंपोनेंट होंगे इसके, और समग्र लक्ष्य होगा इन सभी योजना का, इन सभी प्रोजेक्ट्स का, कि किसानों की आय में वृद्धि की जाए। जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जैसे कि 2022 तक हमको किसानों की आय को दोगुना करना है, तो अलग अलग राज्य की सरकारें भी अपना अलग अलग ऐसा प्रयास कर रही हैं। तो ये दो योजनाओं का नाम आप ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना। कहाँ की योजना है? अरुणाचल प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया उस देश को, और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तजिकिस्तान की यात्रा पर गए थे प्रेसिडेंट जी, और यहाँ पर MOU साइन हुए हैं 9 समझौतों पर, और 2 करोड़ डॉलर का अनुदान भी उस देश को हमारे द्वारा दिया गया है। तजिकिस्तान की कैपिटल और करेंसी कमेंट्स में चाहिए हमको आज आपका पहला सवाल। तजिकिस्तान की करेंसी और कैपिटल क्या है, कमेंट्स में लिख करके बताइए। हाल ही में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 नई बटालियन शुरू हो चुकी हैं, इनका गठन हो चुका है। तो इन बटालियंस के बाद देश में RAF की संख्या की कुल कितनी बटालियंस हो जाएंगी? RAF बटालियंस की संख्या इन 5 को मिलाकर के 15 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया है और उसका नाम एक रखा है कवच? कवच नाम से इस बल का गठन किया गया हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 150 के करीब यहाँ पर रखने वाले हैं सैनिक, या फिर कह सकते हैं बटालियन के योद्धा हमारे 150 की संख्या में रहेंगे करीब, और इनको हेड करेंगे, इनकी अध्यक्षता करेंगे ADG रैंक के कोई ऑफिसर। 50-50-50 के 3 बैच बनाए जाने की बात कही जा रही है, और इस आतंकवाद निरोधक बल का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम, गुड़गांव जो पहले कहा जाता था, गुरुग्राम में ही आपको बता दें इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का हेडक्वार्टर भी है। भारत के किस शहर में हाल ही में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है? अभी कुछ मरीज देखे गए थे 25 के आसपास जयपुर में, राजस्थान में जीका वायरस फिर से लौटने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर हाई अलर्ट पर है सरकार। तो ये अभी आप देखेंगे आगे की अपडेट्स इसके बारे में, अगर कुछ होता है और भी तो बताएंगे आपको। अभी आप इतना ध्यान रखें, जीके वायरस का आउटब्रेक देखा गया है कहाँ पर? जयपुर में। अभी हमने लगभग 1 वीक पहले ही देखा था कि सबरीमाला मंदिर पर जो वुमेन की एंट्री अलाउ नहीं होती थी, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की, उसको अलाउ कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। वहाँ की सरकार का जो ये रूल था इस बारे में, लॉर्ड अय्यप्पा के टेंपल में एंट्री के बारे में, उसको खारिज करते हुए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सभी तरह की, सभी एज ग्रुप की वुमेन्स को अलाउ कर दिया था सबरीमाला टेंपल में। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर उन पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट पर, फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है कि फिर से अपने फैसले को कंसीडर किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर पड़ता है केरल में, पाठनमिट्ठन डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है ये, और पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है ये, माउंटेनियस रीजन पर है, थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पर है, और आप देखेंगे इसके बगल से पंबा रिवर बहती है। ये सब चीज़ें आप ज्योग्राफिकल लोकेशन इसके बारे में याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2018 को किस राज्य में निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है? निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। अभी हाल ही में किस देश ने अपने युद्ध वाले जहाज से विश्व युद्ध सेकेंड यानी वर्ल्ड वार सेकेंड का जो एम्बलम था, जो प्रतीक था उसका, उगते सूरज वाला झंडा, उसको हटाने की जो दक्षिण कोरिया की मांग रखी गई थी, उसको खारिज कर दिया है। और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो एक नौसेना का बड़ा सा अभ्यास है मल्टीलेटरल कंट्रीज का, उससे हट गया है, अपने को बाहर कर लिया है। किस देश ने ऐसा किया है? जापान ने। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया ने जापान से मांग की थी कि वो अपने युद्ध पोत से जो वर्ल्ड वार सेकेंड का प्रतीक है उगता सूरज वाला झंडा, उसको हटा दे, तभी वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नौसैनिक अभ्यास में शामिल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो नौसैनिक अभ्यास से हट गया है जापान, उसने कहा है कि हम अपने एम्बलम को यहाँ पर से अपने युद्ध पोत से नहीं हटाएंगे, ठीक है, समझ गए आप। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नौसैनिक अभ्यास होने वाला है, मल्टीलेटरल कंट्रीज का अभ्यास है, और जापान इससे हट गया है। आप देखेंगे रिमपैक भी युद्ध अभ्यास हुआ था
रिम्पैक युद्धाभ्यास नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। 26 के करीब कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर दिया था और रिम्पैक में आप देखे थे कि भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था और चाइना को आउस्टर कर दिया था उससे। चाइना ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, पहले करने वाला था रिम्पैक में चाइना, लेकिन बाद में उससे हट गया था। चाइना और किस देश के बीच व्यापार युद्ध गहराने और बीजिंग की ओर दक्षिण चीन सागर में सैन्य मौजूदगी में चाइना के द्वारा वृद्धि करने को लेकर बढ़ते हुए तनाव के बीच दो देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बीजिंग में मुलाकात हुई है। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड वॉर की बात हो रही है यहाँ पर। ट्रेड वॉर जो चल रही है लगातार पिछले 6 महीने से अमेरिका और चीन के बीच, उसके गुड्स के आयात पर टैरिफ लगा रहे हैं, वो उसके गुड्स के आयात पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस बीच जो मामला गरमाया हुआ है उस पर थोड़ी सी बर्फ़ डालने के लिए दोनों विदेश मंत्रियों ने बीजिंग चाइना में मुलाकात की है। ठीक है, तो ट्रेड वॉर में देखते हैं आगे आगे क्या होता है, फिर आपको मिलेगा इसके बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कुसुम योजना शुरू की है? कुसुम योजना शुरू की गई है ओडिशा में, इसका नाम निर्माण कुसुम योजना है। कुसुम योजना केंद्र सरकार वाली अलग है, उससे आप कंफ्यूज नहीं करना। ओडिशा की योजना का नाम निर्माण कुसुम योजना है। निर्माण कुसुम योजना ओडिशा राज्य की सरकार ने शुरू की है। इसके तहत काम ये करने वाले हैं कि जितने भी ओडिशा में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर, मेसन्स, कारीगर वगैरह, उनके जितने भी बच्चे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन ले सकें, पॉलिटेक्निक्स में डिप्लोमा ले सकें। कुल मिलाकर इस विज़न के साथ कहा जा रहा है, जैसे उनके माता पिता जो भी अनऑर्गेनाइज लेबर की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर उनको एजुकेशन मिल सके और वो उन्हीं के काम को थोड़े अच्छे से कर सकें, अच्छे पैसे में कर सकें। तो देखेंगे आईटीआई स्टूडेंट को यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी 23,600 रुपये पर ईयर की, और डिप्लोमा करने वाले छात्र को मिलेगा 26,300 रुपये पर साल जो पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेंगे। तो ये अच्छी स्कीम है मेरे हिसाब से, और ऐसी स्कीम्स चलनी चाहिए। आप इसमें ध्यान कर रखेंगे, योजना का नाम ध्यान रखेंगे, कहाँ की है, ओडिशा की है, निर्माण कुसुम योजना। निर्माण से जुड़े लोगों के बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। आईटीआईज में जो एडमिशन लेंगे उनको 23,600 पर साल, और जो डिप्लोमा करेंगे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से उनको मिलेंगे 26,300 रुपये पर साल। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आप। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, लेटेस्ट रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की विकास दर 2018 में 7.3% तक रहने वाली है और 2019 में एक और बढ़ जाएगी 7.4% तक रहने वाली है। और अगर IMF के हिसाब से उनका अनुमान सही है तो चाइना को एक बार फिर से इस वित्तीय वर्ष में भारत पीछे छोड़ देगा सबसे उभरती हुई, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के मामले में। अगला अपडेट यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा को एक बार फिर से ध्यान दिलाया है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसको अपडेट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं इंट्रूडर के रूप में बांग्लादेश से, इलीगल इमाइग्रेंट्स के रूप में, उनको वापस भेजा जा सके। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें मसला ये था कि अभी तक जो ट्राइबल स्टेट हुआ करता था त्रिपुरा, और उसमें बाहरी जनसंख्या के आ जाने की वजह से जो पहले माइनॉरिटी हुआ करते थे उनको उनके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो PIL लगातार दायर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा को ध्यान दिलाया है कि इस चीज़ पर देखे जाने की ज़रूरत है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC अपडेट किया जाए त्रिपुरा में, जो कि असम में पूरा हो चुका है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन जो है SC कमारा, इसको एक अवार्ड मिला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये जरूर आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। इसको IISA का गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिला है। IISA है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, और ये ILO के संरक्षण में इस्टैब्लिश किया गया था 1927 में। हर 3 साल में इसकी एक सम्मिट होती है, इसका एक कन्वेंशन होता है, रीजनल सिक्योरिटी फोरम होता है एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ये 3 साल में एक बार होता है और इस बार ASIC को अवार्ड मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन फॉर कवरेज एक्सटेंशन की कैटेगरी में, यानी कि सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कुल मिलाकर के ASIC को ये मिला है। ASIC आप जानते हैं राज्य कर्मचारियों को बीमा प्रोवाइड करता है और काफ़ी एक ब्रॉड लेवल पर प्रोवाइड करता है, तो सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करता है, तो इसलिए इसको शायद ये मिला है। आप जान लें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था हमने आपको बताया 1927 में, इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ILO के संरक्षण में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका कुल मिलाकर लक्ष्य ये है कि सोशल सिक्योरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ प्रमोट किया जाए, गाइडलाइंस और एक्सपर्ट नॉलेज और सर्विस और सपोर्ट भी दिया जाए इसके मेंबर कंट्रीज़ को, जिससे वो अपने यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज को रॉबस्ट तरीके से इनेबल कर सकें।
अगली काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप्स के बारे में। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप्स जो है ये अब बनेगा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसके हेड होंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको असिस्ट करने का काम करेगा ये ग्रुप। और कुल मिलाकर इसमें आप ऐसे समझो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते थे वो खाली एक ही क्षेत्र से जुड़े होते थे, सिक्योरिटी से, रक्षा से, लेकिन अब ये जो आपका स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप आ जाएगा इसमें बहुत से विभिन्न लोगों की सहायता ली जाएगी और एक ब्रॉड ओपिनियन बनाया जा सकेगा नेशनल सिक्योरिटी पर, नेशनल अफेयर्स पर। कैसे, आप देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, इसके मेंबर देखिए कौन कौन रहने वाले हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन रहेंगे, जैसे इस समय हमारे राजीव कुमार हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे और सभी डिफेंस सर्विसेज के चीफ्स रहेंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी रहेंगे, होम सेक्रेटरी रहेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी भी रहेंगे और अदर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज भी रहेंगे। तो एक ब्रॉड ओपिनियन यहाँ पर तैयार किया जा सकेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, लॉन्ग टर्म में क्या काम करने चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कंट्री के सिक्योरिटी अफेयर्स के बारे में एक मजबूत राय तैयार की जा सकेगी और अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी पॉलिसी ग्रुप्स के बारे में है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इस समय अजीत डोभाल हैं वही इसको हेड करेंगे, ये आप इसमें याद रखें। सो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और बिल्कुल कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, एटलीस्ट एक थम्सअप दे दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है। कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसको जरूर एक्नॉलेज करेंगे। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।